ये रशिया की स्टोरी है। एक माता जी ट्रेन में बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रही थी, ये सच्ची घटना आपको बता रहा हूँ। तो एक एथिस्ट वो उस माता जी से किताब पकड़ा और उसके सामने दो टुकड़ा किया, भगवद गीता का ऐसे फाड़ दिया पूरा, और उस माता जी का बाल पकड़े घसीट के उसको स्टेशन में बाहर फेंक दिया। तुम लोग दुनिया को बिगाड़ रखे हो, तुम लोग किताब बांट बांट के। कई बार हम लोग को भी लोग ऐसे चिल्लाते हैं, गीता बांटते हैं, बोलते हैं देखो धंधा कर रहे हो, हाँ तुम लोग धंधा करो। तो हम उनको बोलते हैं क्या करें प्रभु जी, आप मंदिर नहीं आते, तो भगवान ने बोला कि तुम जाओ इस गधे के पास और इसको वो समझाओ, तो हमको करना पड़ रहा है, क्या करें। तो वो फेंक दिया। अब ये क्या है, ये सोचा वो गीता पढ़ी हुई इसके सामने, ये बोला आज पत्नी को जाके दिखाऊंगा कितना महान काम किया हूं मैं। तो किताब को ऐसे पकड़ के बैग में रख के चला गया अपने घर और बोला। तो फिर कह रहे घर जाके भूल भाल गया, तो उसकी किताब वहीं पड़ी हुई थी, वो जाके अपना डेस्क पे रखा होगा। तो उसकी जो मेड थी वो आके देखी, बोले रे साहब जी ये नया किताब कहाँ से लाए, ये तो फट गई है। तो वो उसको सिलवा दलवा के उसको कबर में डाल दी। ठीक है, डाल तो दी, लेकिन अभी भी मैंने आपको बताया वैष्णव अपराध, ये तो लगेगा अभी। इसके जीवन में आया अब समय, बिजनेस ठप हो गया, जॉब वॉब सब बेकार सब हो गया, पत्नी घर बेटी कहीं भाग गई छोड़ करके, पत्नी की मृत्यु हो गई एक्सीडेंट में, पूरा अकेला, पूरा जीवन जो है अभी अकेला, और अपने कमरे में बैठ के सोच रहा है कैसे लटकू पंखा पे, रस्सी कहाँ से लाऊं, ये सब विचार कर रहा है वो। तो बोला पढ़ने से मरने से पहले कुछ अच्छा काम कर लेता हूँ, कुछ तो अच्छा किताब पढ़ लेता हूँ। और खोला अपना ये कपबोर्ड और हाथ में आई कौन सी किताब, भगवद गीता। जैसी पन्ना खोला वहां लिखा था जो लोग आत्महत्या करते हैं वो भूत बनते हैं। ये बोला अरे यार मरने में दो की चैन से गजब है। तो फिर बोला इंटरेस्टिंग है कुछ और पढ़ता हूँ, पढ़ने लगा। प्रभुपाद तो प्रभुपाद है, प्रभुपाद जी प्रचार करना शुरू किया उसको गीता के माध्यम से। और आप देखिए हमारे हर किताब के पीछे में वो इस्कॉन के एड्रेस लिखे हुए हैं, अब देखिए बहुत सारे सेंटर्स के। तो देखा संजोग से उसके शहर में एक एड्रेस था, वह एक मंदिर था, तुरंत गया और वहाँ खटखटाया। तो वहाँ जो मैनेजर निकला बाहर, बोला क्या चाहिए, बोला मेरे को ज्वाइन होना है, मेरे को फुल टाइम ज्वाइन होना है। बोला गजब है, मोस्ट वेलकम, हमको तो भक्तों की दरकार है। बोले क्या सेवा करोगे, बोले मेरे को अकाउंटिंग बहुत अच्छा आता है, मैं एक और अकाउंटेंट बना दो, मैं पूरा संभाल लूँगा आपका। और सही में था भी, फुल टाइम ज्वाइन हो गया वहाँ पर, सेवा कर रहा है कर रहा है कर रहा है। तो रसिया में क्या होता है, एक बड़ा फेस्टिवल होता है जिसमें सारे रसिया के सब भक्त लोग आते हैं। ठीक है, तो कई साल बीत गए, 3 4 5 साल बीत गए, और वो फेस्टिवल था, उस फेस्टिवल में ये माता जी भी आई थी जो जिसका बाल पकड़ के ये घसीट के फेंका था, और ये धोती कुर्ता तिलक पहन के आया अपना भक्त बन के एकदम। ठीक है, तो फिर जब ये आया तो फेस्टिवल दूर से देखा, रही तो देखी थी लड़की लग रही है यार, अब ये माता जी को कुछ पता नहीं है, ये इधर देखी थी कि लग रही है। तो फिर इसको लगा रही तेरी तो वही है जिसको मैंने बाल पकड़े फेंका था। तो सब के सामने दंडवत प्रणाम किया उसको जाकर के, पूरा सो गया उनके सामने, पाँव पकड़ लिया, बोला मुझे माफ कर दो मुझे माफ कर दो मुझे माफ कर दो। बोले किस लिए माफ करूं बता दो सरी, तो बोले पहचाने नहीं। बोला कौन हो, बोले अरे इतने साल पहले आपको मैंने वो ट्रेन में बांटते बांटते आपको फेंका था उसके बाहर, तो आपको चोट वोट लग गया था ये, और पूरा रोने लग गया पकड़ करके। तो बोला अरे लेकिन बड़ा वो तो काम आ गया मेरा फेंका हुआ, अब भक्त बन गए। तो फिर जो है दोनों जो है भूल गए और रोए। तो देखिए भगवान की ऐसी योजना होती है कि कभी किसी को प्यार से बुलाते हैं, किसी को डांट फटकार के बुलाते हैं, बट भगवान की इच्छा होगी तो भक्त बनेगा ही बनेगा।